बाहुबली मूवी देखने के बाद सब लोग बाहुबली 2 देखना चाहते थे, क्योंकि राजामौली ने लास्ट में एक सवाल छोड़ दिया था, वो था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और जब 28 अप्रैल 2017 को आई प्रभास की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली 2, जिसने बहुत ही बड़ा इतिहास बना डाला था, जिसके बाद प्रभास की साहो, राधे श्याम और एक मूवी है जिसमे प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष। ये फिल्म जब 16 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तब ऑडियंस और क्रिटिक दोनों के ही खराब रिव्यू मिले थे। इस फिल्म ने पहले दिन तो बहुत अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन फिर कलेक्शन में गिरावट हो गई। 500 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म को अपना बजट पूरा करने में भी मुश्किल हो रही थी, और प्रभास की फिल्म बहुत ही कम कलेक्शन पर सिमट कर रह गई। और अब प्रभास की आने वाली फिल्म सलार का अंदाज आप उसके ट्रेलर से ही देख सकते हैं, जो कि 24 घंटे में 116 मिलियन व्यू आ गए थे, जबकि किसी भी 5 मूवी के ट्रेलर को मिला दे तब भी इतना नहीं होगा। लेकिन प्रभास को इस 22 दिसंबर को सलार मूवी रिलीज होने के बाद आदि पुरुष की तरह ही कुछ बवाल देखने को मिल सकता है, और सलार मूवी में ऐसा हुआ तो प्रभास के साथ क्या हो सकता है। वैकट सत्यनारायण प्रभास राज उपला पति प्रभास का जन्म भारत के राज्य तमिलनाडु के चेन्नई में 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था। प्रभास की स्कूली शिक्षा इमावरम के DNR स्कूल में हुई है। उन्होंने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से BTech के साथ स्नातक डिग्री भी प्राप्त की है। फिल्म बैकग्राउंड के होते हुए भी प्रभास कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कभी भी अभिनय के बारे में भी विचार नहीं किया। प्रभास एक व्यावसायिक बनना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा उपला पति कुशलन राजू, जो की तेलुगु फिल्मों में मशहूर अभिनेता है, उन्होंने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रोत्साहित किया, और तब से प्रभास ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। प्रभास टॉलीवुड के सबसे ज्यादा मान्यता लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। इसके साथ ही वो बैंकॉक के मैडम तुसाद में मोम की प्रतिमा में स्थापित होने वाले सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के बाद पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता बन गए हैं। प्रभास ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 2002 में आई तेलुगु फिल्म ईश्वर से की, जिसमें अपने पात्र का नाम भी ईश्वर ही था। फिर 2003 में उनकी फिल्म आई केंद्र, फिर 2004 में उनकी 2 फिल्म आई वर्षम, जिसमें उनके किरदार का नाम वेकट था, और दूसरी फिल्म थी अडावड़ी, जिसमें प्रभास के पात्र का नाम रामुडू था। इस तरह से उनके फिल्मों में अभिनय का कारवा चलता रहा। 2005 में उनकी फिल्म चक्रम और छत्रपति आई। छत्रपति फिल्म को SS राजामौली के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें उन्होंने गुंडों के द्वारा शोषित किए हुए एक शरणार्थी भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बहुत ही सफल रही थी। 54 केंद्र पर यह फिल्म 100 दिनों तक बड़े शान से चलती रही। हर तरह उनके अभिनय की अनूठी शैली की सराहना हुई। उसके बाद 2006 में फिल्म पुण्यार्मी आई, जिसमें उन्होंने शिवा केशव के किरदार को निभाया। 2007 में योगी फिल्म में उनके पात्र का नाम ईश्वर प्रसाद था। यह फिल्म एक्शन और ड्रामा का मिला जुला रूप था। फिर 2008 में एक्शन और कॉमेडी से भरपूर उनकी फिल्म आई बुज्जी गादू, जिसमें उनके पात्र का नाम लिंगा राजू, बुज्जी और रजनीकांत था। 2009 में आई उनकी फिल्म का नाम बिल्ला था, जिसके बारे में इंडिया ग्लिथी ने कहा कि बिल्ला का किरदार स्टाइलिश और देखने में अमीर ऐसा था। फिर उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम एक निरंजन था, जिसमें उनके पात्र का नाम छोटू था। 2002 में आई उनकी फिल्म का नाम डार्लिंग था, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम प्रभास था। फिर 2011 में एक उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिस्टर परफेक्ट आई। इस फिल्म में उन्होंने विक्की नाम के पात्र के किरदार को जीवित किया। इसके बाद 2012 में उनकी 2 फिल्में आई, एक थी रिबेल, जो कि राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने रूसी नाम के किरदार को निभाया था, और इसमें दैनिक केनर रेड्डी ने एक छोटे से कैमियो के लिए अपनी आवाज दी थी। फिर उनकी 2014 में कैमियो के लिए अपनी आवाज दी थी। फिर उनकी 2014 में फिल्म आई मिर्ची, जिसमें उनकी हीरोइन अनुष्का शेट्टी थी। यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। इस फिल्म के लिए उन्होंने अवार्ड भी प्राप्त हुए। उसके बाद 2014 में प्रभु दिवा की हिंदी फिल्म एक्शन जैक्शन में वो पहली बार सिर्फ एक आइटम गाने में दिखे थे। अब तक प्रभास को सभी उनके तेलुगु फिल्म में किए गए कामों से ही जाने जाते थे, लेकिन जब से उनकी फिल्म 2015 में बाहुबली आई है और उन्होंने महेंद्र बाहुबली के किरदार को निभाया है, तब से हर तरह उनके दमदार अभिनय और फिल्म की चर्चा हर तरह हो रही है। इसी फिल्म की दुनिया भर में आलोचकों की भी प्रशंसा की है। ये फिल्म अपने व्यावसायिक कमाई से भी चर्चित है। बाहुबली फिल्म अगली फिल्म बाहुबली 2, जिसने प्रभास का बहुत बड़ा नाम बना डाला। उसके बाद 30 अगस्त 2019 प्रभास की फिल्म साहो। इस फिल्म में प्रभास ने पहली श्रद्धा कपूर के साथ दिखे थे। दोनों के ही फिल्म की अभी तक की सबसे महंगी इंडियन फिल्मों में
में से एक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई की थी। जिसके बाद 11 मार्च 2022 राधे श्याम इस फिल्म में पूजा हेगड़े के साथ नजर आई थी। फिल्मों ने पूरी दुनिया में कुल 140 करोड़ की ही कमाई की थी। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप हो रही थी। और उसके बाद आती है आदि पुरुष। ये फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑडियंस और क्रिटिक दोनों के ही खराब रिव्यू मिले थे। इस फिल्म ने पहले दिन तो बहुत अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन फिर कलेक्शन में गिरावट हो गई। 500 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म को अपना बजट पूरा करने में भी मुश्किल हो रही है। प्रभास की फिल्म बहुत ही कम कलेक्शन पर ही सिमट कर रही है। आदि पुरुष की बात करें तो ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास और कृति सेनन के साथ सनी सी, सैफ अली खान और देवदत्त नाग अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म में डायलॉग और किरदार को लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद फिल्म को बैन करने की मांग उठ गई थी। और अब बात करते हैं 22 दिसंबर को आने वाली फिल्म सलार, जिसके पहले टीजर पर 144 व्यूज मिले हैं। और आप लोगों ने सलार का ट्रेलर तो देखा होगा, जिसमें सिर्फ 24 घंटों में 116 है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा ऐसी कोई मूवी नहीं बनी जिसमें सिर्फ 24 घंटों में इतने व्यू मिले हो। आप लोग जानते होंगे कि केजीएफ और सलार दोनों को ही प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। और अब कयास लगाया जा रहा है कि ये दोनों फिल्मों की कहानी में काफी समानता है। वही कोई लोगों का मानना है कि दोनों फिल्मों में कनेक्शन दिखाया जा सकता है। इसी अफवाह पर बात करते हुए प्रशांत नील ने बताया था कि दोनों फिल्मों में बेहद ही अलग है। केजीएफ को मैंने 2 पार्ट में नहीं बनाया था, उसे 3 फ्रेंचाइजी में क्रिएट किया गया था। सलार की कहानी इतनी बड़ी है कि वो प्रॉपर 6 घंटे की फिल्म बनी है, इसलिए उसे पार्ट में डिवाइड किया गया है। यह पूरी तरह से अपनी कहानी पर ही फोकस करती है। मैंने सलार की कहानी केजीएफ से भी पहले लिखी थी और ये दोनों कहानी बेहद ही अलग है। अलग तरीका, स्टाइल, इमोशन, दोनों फिल्मों में कहानी कहने का तरीका भी बेहद अलग है। मेरी उम्मीद है कि सलार को दर्शक उसकी कहानी के लिए ज्यादा पसंद करेंगे। सलार में 2 दोस्तों की कहानी है जो आगे जाकर दुश्मन बन जाते हैं, और इसकी कहानी केजीएफ से बहुत ही अलग है। इस तरह राजा मौली ने बाहुबली फिल्म में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो सवाल छोड़ दिया था, इसी तरह सलार में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। 2 दोस्तों के बीच दरार देखने को मिल सकती है। और वो तो 22 दिसंबर को फिल्म देखने के बाद आपको और मुझे पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। ये गुफा श्रीलंका के रेंगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रेंगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शव श्रीलंका के नेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है, और इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। इसमें कितना सच है और कितना झूठ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा।